सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ईद का दिन है तो सो गाइस देखिए, हम अभी नमाज पढ़ चुके हैं, मैं और मेरा कुतिया। तो हम दोनों अभी जा रहे हैं मार्केट की तरफ, थोड़ा बहुत घूम के देखने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ, देखते हैं कैसा नजारा है और कैसा कुछ है। तो आगे आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने, क्योंकि यार आज ईद है। ईद स्पेशल पे हमें तो घूमना पड़ेगा ही, तो हम कहीं घूमने जा रहे हैं। तो आप लोग साथ हमारे बने रहिए और देखते हैं। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। तेरी नजरों ने दिल का किया जा हशर असर, ये हुआ अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। So, hello guys. So, आज बहुत दिनों के बाद मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहा हूँ मेरे चैनल पर। तो आज ईद का दिन है तो हम अभी घूमने आए हैं। कहाँ पे आए हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल ही गया होगा, काजीरंगा आए हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा जगह। तो क्या कहूँ, इलियास ने जिंदगी में पहली बार ऐसी एक अच्छी काम की है कि मुझे बहुत ही सुंदर जगह पे लाया है। तो मैं उसका मतलब के शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के दिन, ईद के दिन बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया है मुझे। तो आप लोग इस जगह को देखिए और इतना मजा आ रहा है मुझे, तो आप लोग भी देखिए और देख के मजा लीजिए। तो आगे देखिए। सब लकड़ी से बनाया गया है गाइस। एक म्यूजियम है गाइस, तो बहुत ही ऑसम सी एक्सपीरियंस है यहाँ पे, देखने को मिलेगी आप लोगों को। ये जो फिश दिख रही है, ये मैं हूं, मैं। गाइस देखिए, बहुत ही मतलब कि क्या कहूं, इतना सुंदर जगह है। आप लोग भी कभी आने की कोशिश करना गाइस, बहुत मजा आता है जब हम ऐसी जगहों पे एक्सप्लोर करते हैं और हमें मतलब कि ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत मतलब कि दिल को सुकून मिलता है कि नेचुरल है जगह। तो आप लोग भी आइए
और देखिए कितना सुंदर जगह है वो। अभी तो मैं अंदर गया ही नहीं हूँ ना, मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मछली देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, गोल्डन गोल्डन फिश। हम लोगों ने बहुत ही गंदी तरीके से, मतलब कि बहुत ही स्लोमो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं जो हम जो के इंस्टाग्राम में रिलीज करने वाले हैं, तो आप लोग भी देखिएगा। मैं क्लिप दे दूंगा बीच बीच में, दे दिया करूंगा। और मेरे साथ कौन कौन आया था मैं रिवील करना भूल गया, तो सब लोग आ जाओ इधर। गाइस कम हियर, ए इनको तो जानते ही होंगे, मेरे चाचा इलियास अहमद, और इसको तो जानते ही होंगे रोजी का अहमद, और ये मेरा 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 जा, मेरा जानू, यू नो दैट एहिया अहमद। तो हम सब अहमद है, मेरा नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। तो बता दे मेरा नाम कोई अनिसुल अहमद। नो सॉरी रॉकस्टार लगता है, भूल हो गई, मेरा नाम मेरे को भी पता नहीं है। और एक बंदा आया है हमारे साथ जो आगे है, तो हम उसके पास जाएंगे और उसका भी परिचय लेंगे। हम परिचय लेने के बाद आप लोगों को दिखा दिया करेंगे कि वो भी कौन है। वो भी बहुत ही खास बंदा है हमारे लिए, सादिक खान, जो बहुत ही अच्छा इंसान है, दिल से बहुत अच्छा है। सैल्यूट भाई। नजारा देखिए, नजारा नजारे देखिए भाई साहब। कौन है ये, कहाँ से आते हैं ये लोग आके हमारे मन को तन को। और विनोद है, वो पाकिस्तान से है। क्या ब्यूटीफुल जगह है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। माय गॉड, ये क्या नजारा है। ये देखिए बंदर दौड़ रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क में भाई साहब। बहुत ही मजा आ रहा है इस जगह पे घूमते हुए। तो गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया, ये जो नेशनल पार्क के अंदर जो रिजॉर्ट है वो मतलब के बहुत ही फेमस है, जो बहुत ही फेमस रिजॉर्ट है ये, जो हमारे नेशनल काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर जो ये जो रिजॉर्ट है वो बहुत ही फेमस है। क्योंकि यहाँ पे एक बार जो आमिर खान है हमारे बॉलीवुड स्टार जो सुपरस्टार है आमिर खान, उन्होंने 3 दिन आके यहाँ बिताया था, इसी रूम पे बिताया था। गाइस ये जो मेरे उंगली के ऊपर है जो रूम, इसी रूम पे उसने मतलब के हाँ गाइस। तो हमें मतलब के हम गए थे रूम के बाहर, लेकिन अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो हम नहीं जा पाए। और जो बहुत ही मतलब के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं वो इसी होटल पे आके मतलब कि इसी रिजॉर्ट पे आके रुकते हैं। तो मतलब कि बहुत ही सुंदर जगह है गाइस, आप लोग भी कभी आइएगा और देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को सुकून आ जाता है। क्योंकि सब जो है सब जगह में एकदम नेचुरल है, हमारे नेचुरल ब्यूटी क्लीन है, इतना क्लीन है। ये देखिए यहाँ पे एक भी मतलब के देखिए एक भी कागज नहीं है। हाँ इतना सुंदर जगह है। और देखिए भाई साहब ये देखिए कितना अच्छा टेबल है, डाइनिंग टेबल। तो यहाँ पे डिनर करने के लिए वगैरह करने के लिए बैठते हैं लोग सब, और यहाँ पे भी बैठते हैं थोड़ा बहुत। बहुत ही अच्छी जगह है, चिल होते हैं यहाँ पे जब मतलब के गर्मी चल रही होती है ना। अंदर और भी अच्छे अच्छे चीज है, अंदर और भी जगह है, मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा वीडियो में, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस अचानक से बारिश आ जाने के खातिर मतलब के कारण अचानक से बारिश आ जाने के कारण हम मतलब के यहाँ से निकल चुके हैं। तो देखिए बहुत ही मतलब के बारिश आने की बहुत ही संभावना है, और गिर रहा है। वैसे बारिश गिर भी रहा है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं गिर रहा है, लेकिन ज्यादा गिर गया ना तो हम मतलब के घर जाने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा। सादिक का है हम ढूंढ नहीं पा रहे, वो लगता है कार में है या बाहर, नहीं ढूंढ पा रहे। लेकिन ये हमारा कार है, तो चलिए घर। तो ये देखिए सदिक का है, सदिक को ढूंढते ढूंढते हम तो थक चुके हैं भाई। गाइस रूट के यहाँ पे खड़ा है। तो गाइस मैं मतलब के मैं और हम सब उस रिजॉर्ट से निकल चुके हैं, बारिश आने की वजह से, बहुत ही बारिश हो रही है, तो इस वजह से हम रिजॉर्ट से निकल चुके हैं। सुनो तुम सीट बेल्ट पहले लगाओ। क्या भाई तुम भी गाड़ी कार पे उठ के सीट बेल्ट नहीं लगाती हो? सीट बेल्ट लगाना भूल गया। तो गाइस आप लोग ऐसी गलती ना कीजिए, आप लोग जब भी कार पे उठते हो तो सीट बेल्ट लगा लिया करो, ये हमारी लाइफ के लिए सेफ्टी है। तो ये हमारे लिए सेफ्टी है ना,
तो इसे कोई सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तो अपने आप ही सीख जाओ कि सीट बेल्ट, अगर कार में उठ रहे हो तो सीट बेल्ट लगाना चाहिए, और अगर बाइक पे हो तो हेलमेट लगाना चाहिए, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सीट बेल्ट लगा लिया करो और हेलमेट लगा लिया करो, तो इतना ही बोलता हूँ। और बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, इसी वजह से हम उस रिजॉर्ट से निकल चुके हैं, और शायद और भी बारिश होगी, क्योंकि असम का जो थोड़ा वेदर है ना तो बहुत ही खराब चल रहा है, तो क्या करें, मन तो भरता नहीं है, आधा दिन ईद पे गया, आधा बारिश देखनी पड़ेगी। तो आप लोग बने रहिए, और अगर मैं जिंदा रहा कभी भी तो मैं इस रिजॉर्ट का पूरा वीडियो बनाऊंगा, इतना अच्छी तरीके से बनाऊंगा कि आप लोगों को इससे बढ़िया वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। मैं बनाऊंगा, खुद बनाऊंगा, अपने हाथों से बनाऊंगा, इन्हीं हाथों से बनाऊंगा। कलिया देखते हैं क्या होता है। लव यू गाइस, मैं 2 मिनट बाद में फिर से आता हूँ। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को यहीं पे मतलब के एंड करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश बहुत आ रही है भाई, और अंधेरा क्या बताओ, अंधेरा रात की तरह बन रही है, तो मेरा चेहरा थोड़ी देर बाद दिखाई नहीं देगा, तो मैं इस दुनिया में आऊंगा ही नहीं, तो कैसे चलेगा भाई। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि वीडियो यहीं पे एंड कर दूँ। तो मैं बहुत दिनों के बाद, पहली तो बात यह है कि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों का फिर से वही प्यार चाहिए जो आप लोग मुझे पहले करते थे, तो आप लोग प्यार की बहुत ज़रूरत है यार। तो अगर आप लोगों की प्यार नहीं मिलता ना तो मैं कब का डीमोटिवेट हो जाता। लेकिन मैं थोड़ा एग्जाम चल रहा था ना, इसीलिए मैंने थोड़ा गैप दिया और फिर से वीडियो पे आया हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिएगा मैं वीडियो पर इसी तरह एक्टिव रहूँ और वीडियो अपलोड देता रहूँ, और क्या बताओ, आप लोग से बहुत उम्मीद है मुझे। और मैं क्या बताओ, और वो उसने बताया ना अहमद ग्रुप, वो तो मेरा ही ग्रुप है, तो उसमें तो आप लोग भर भर के प्यार देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वैसा प्यार देते हो ना, कि अगर मैंने कोई वीडियो नहीं छोड़ी, कौन सी तो अगर मैं जिंदा रहा तो आप लोगों को उस रिजॉर्ट के बारे में सब कुछ बताऊंगा, और डिटेल में और एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही सुंदर वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों को ज़रूर बहुत पसंद आएगी। और इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे, और जो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और अगर आप लोग उससे हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वो जो लाल कलर का जो बटन है उसको थोड़ा सा, उन्होंने और एक बात बताना यार, यू नो दैट लव यू गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। लव यू ऑल।